हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं TCET 2009 का पेपर है ये। उस समय जो आपका एग्ज़ाम होता था, TCET PGT के जो भी एग्ज़ाम होते थे, उनमें गायन और वादन दोनों का जो पेपर होता था वो सेम ही आता था। यानी कि जिस तरह से अब आपके पेपर बटे हुए हैं कि गायन का पेपर अलग होगा और वादन का जो पेपर होगा उसमें सिर वाले बच्चे होंगे और तबले वाले बच्चे होंगे। लेकिन अब जो उस समय जो पेपर होते थे, 2011 विज्ञापन का भी इसी तरह पेपर आया था, जिसमें वादन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, गायन से बहुत कम। तो उस समय ऑब्जेक्शन हो गया था कि गायन वाले बच्चों के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था वादन का पार्ट करना, तो वो किस तरह से करें, और वादन वालों के लिए गायन का। तो इसलिए ये अलग अलग बांट दिया गया और उसके आधार पर 2009 का ये पेपर हुआ मिला है मुझे। मैंने बड़ी मुश्किल से ये, मैंने बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपके लिए लेके आई हूँ। जो सोल्ट्स हमारे बुक्स मिलती हैं बुक सेलर से, वो मैंने नहीं लिया है। बिल्कुल आपको ओरिजिनल पेपर दिखाने जा रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से पेपर उस समय बनते थे। और उस समय जो पेपर आते थे उसमें, अब जो पेपर आते हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं, लेकिन उस समय जो पेपर था ये 2009 का और 11 का भी जो विज्ञापन था ये, उस समय जो पेपर थे वो सेम ही, वो हिंदी में ही केवल पूछे जाते थे। देखिए किस तरह से आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राग मालकोश किस समय गाया जाता था। राग मालकोश का समय है रात्रि का तृतीय पहर। सैनई वादक बिस्मिल्ला खान को किस वर्ष भारत रत्न से अलंकृत किया गया, यानी 2001 में किया गया। श्री राघवन नायर नर्तक हैं, ये कथकली के हैं। नायर जाति के जितने भी नर्तक होते हैं वो कथकली से रिलेटेड होते हैं। इमदाद खां की जो वादन शैली थी वो किस अंग पर आधारित थी, इनकी वादन शैली गायकी अंग पर आधारित थी। ताल विभाग को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो इसका आंसर विभाग ही होगा। केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते थे, केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के नृत्यकार हैं। दो खाली युक्त ताल का नाम है चौताल, यानी कि चार ताल। भीमसेन जोशी का घराना है किराना घराना। कौन सा नृत्य केरल में सबसे अधिक लोकप्रिय है, कथकली नृत्य है जो केरल का है। अमजद अली खां किस वाद्य के लिए, ये सरोद वादक हैं, संतूर वादक हैं इनमें से शिव कुमार शर्मा। परमेल प्रवेशांक राग है, जय जयवंती राग है परमेल प्रवेशांक राग, और मुल्तानी, ये क्वेश्चन अधिकतर बनता है तो दोनों याद रखेंगे, मुल्तानी और जय जयवंती। वर्जित स्वर पा वाला राग जिसमें पा स्वर वर्जित होता है वो है मालकोश। गर्मक पुस्तक मालिका पुस्तक के रचनाकार कौन है, विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं, और इन्होंने इस पुस्तक के 6 भाग लिखे हैं। याद रखेंगे, कई बार भाग भी पूछ लिए जाते हैं, कितने भाग, जिसमें इन्होंने सभी स्वरलिपि अपनी लिखी हैं, जितनी भी रागों की स्वरलिपि हैं, और जितनी भी ध्रुपद ख्याल सब सभी तालों में इन्होंने इसमें विवरण दिया है, जिसके 6 भाग हैं। गजरी किस प्रदेश का लोकगीत है, गजरी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। नेक्स्ट देखते हैं, फरोदस ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 14 मात्राएं होती हैं। पंडित रविशंकर के गुरु का नाम है अलाउद्दीन खां, और अलाउद्दीन खां की बेटी अन्नपूर्णा खां से पंडित रविशंकर जी की शादी हुई। जिनमें से काफ़ी ठाट कर आ गए वो है बागेश्री, मुल्तानी राग की जाती है ओड़व संपूर्ण, खुले बोल की जो ताल है वो है सूल ताल। जो ध्रुपद के साथ ताल बजाई जाती हैं वो खुले बोलों की ताल कहलाती हैं, जैसे चार ताल, सूल ताल। संगीत रिसर्च अकेडमी कहाँ पर है, ये कोलकाता में है, ITC से बोलते हैं, कई बार ITC भी आ जाता है कि ये किस शहर में। गमक के कुल प्रकार हैं 15 प्रकार हैं। अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग किया जाता है, तरब के तारों का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण पद्धति का तिल्लाना किससे समझ, जो हमारा तराना है वो कर्नाटक संगीत में तिल्लाना के नाम से जाना जाता है। अधोदर्शक स्वर शुद्ध माँ को कहा जाता है। भारत रत्न में से भीमसेन जोशी जी को मिला हुआ है, 2008 में इन्हें मिला है। भारतीय संगीत में कुल स्वर हैं 12 स्वर। उत्तर संगीत में कुल विकट स्वर हैं 5 स्वर। वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे, 3 स्वर प्रयुक्त होते थे, उदात, अनुदात और स्वरित। द्वादश स्वर मूर्छनावाद किसकी परिकल्पना थी, ये मतंग की परिकल्पना थी। नाधि धीना किस ताल का अंश है, यानी कि दो दो के विभाग चल रहे हैं, तो वह ताल है आपकी आड़ा चार ताल, जो 14 मात्रा की ताल होती है और इसमें 7 विभाग होते हैं। इसी तरह मैं आगे अभी आपको एग्जाम के पेपर करा रही हूँ, फिर मैं आगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगी। तो जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है वो लाइक ज़रूर करिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिए, उस पर आंसर दूंगी मैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आपको ये क्वेश्चन सीरीज मिलती रहेगी।
विपंची किस वाद से जुड़ा है? विपंची जो जुड़ा हुआ है, विपंची वीणा से जुड़ा हुआ है। जाकिर हुसैन के पिता का नाम है अल्लाह रखा खां। भैरव सहाय किस घराने के थे? राम सहाय, भैरव सहाय, ये सभी वाराणसी घराने से थे, बनारस घराने से। तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? इसमें बड़ा ख्याल गाया जाता है। हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? हवेली संगीत का ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। उस्ताद अमीर खां किस ताल में गाते थे? ये एक ताल में गाते थे। संगीत रत्नाकर के अनुसार जो गमक होते हैं वो 15 होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो 16 ऑप्शन इसमें लगा दिया गया था। षड्ज व पंचम के आरोहकम में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 13 श्रुतियाँ होती हैं। षड्ज चौथी श्रुति पर होता है, पंचम सत्रवीं पर, तो इनके बीच की जो श्रुतियाँ हैं वो 13 है। बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराने से हैं, पटियाला या पंजाब। राग सारंग गाया जाता है वर्षा ऋतु में। बाबुल मोरा नहर छूटा जाए, ये बंदिश वाजिद अली शाह ने गाई। छपेली कहाँ का नृत्य है? कुमायूं का नृत्य है। तबला की बत्ती ऊंट के चमड़े से बनती है। चित्रा वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख भरत ने किया था। आधुनिक स्वर व्यवस्था के अनुसार षड्ज कौन सी श्रुति पर है? इसका कहना ये था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया कि षड्ज कौन सी श्रुति पर स्थापित है। जो हमारी आधुनिक स्वर व्यवस्था है उसमें षड्ज पहली श्रुति पर स्थापित है, और जो हमारी प्राचीन स्वर व्यवस्था है उसमें षड्ज चौथी श्रुति पर आधारित है। यही क्वेश्चन इनके ही उलट पुलट क्वेश्चन करके ही आपसे पूछे जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। रागों के परिचय पढ़ने के लिए आप राग परिचय भाग 3 और 2, उसमें जितने भी राग हैं उनको पढ़िए, उन्हीं में से सभी राग पूछे जाएंगे। कर्नाटक खंड जाति में 5 मात्राएँ होती हैं। मोगूबाई कोटिकर का जो जन्म हुआ वो 15 जुलाई 1904 को हुआ। मधकोकिला वीणा में 21 तारे होती हैं। संगीत कलानिधि, संगीत कलानिधि के रचयिता, थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया, ये स्वरमेल कलानिधि के रचयिता हैं रामामात्य। जिस्म की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा? इसमें जो मुखड़ा होगा वो आपकी 10वीं मात्रा का होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से ये फॉल्स में क्वेश्चन गया। तबले के आविष्कारक आमिर खुसरो। तबले की चुड़पुड़ी में चमड़े की जो परतें होती हैं वो 3 परतें होती हैं। सितार में बाज का तार जो होता है वो मंत्र मध्यम मिलाया जाता है। तबले में 8 गट्टे होते हैं। नाधा दिंदा बोल बनारस घराने में प्रसिद्ध है। सूत की क्रिया सितार पर होती है। जिस प्रकार मींड होता है गायन में, इसी तरह सूत सितार वाद्य, ऐसे सितार वाद्यों पर बजाया जाता है। कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? संगीत कला, ऑब्वियसली सभी को पता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। भातखंडे जी पेशे से क्या थे? भातखंडे जी ने LLB की थी, ठीक है, इन्होंने BA किया, फिर LLB की 1890 में इन्होंने, फिर 1893 में LLB। तो इस तरह से ये अपने संगीत में आने से पहले क्या थे? वकील थे। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन करते रहिए और लाइक करिए।